हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन के रिमेनिंग टॉपिक्स स्ट्रेटजिक इंटेंट विजन मिशन बिजनेस डेस्टिनेशन गोल ऑब्जेक्टिव बिजनेस पॉलिसी और प्लान क्या चीज़ होती है तो यूनिट वन का पार्ट वन का वीडियो का लिंक आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है तो स्ट्रेटजिक इंटेंट इंटेंट मीन्स इंटेंशन परपज तो पर्पज फॉर वॉट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर तो स्ट्रेटजिक इंटेंट का मतलब क्या हुआ कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही है स्ट्रगल कर रही है क्यों जो है एग्जिस्ट कर रही है तो इंटेंट का मतलब क्या होता है पर्पज होता है तो पर्पज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वही स्ट्रेटजिक इंटेंट कहलाता है इन सिंपल टर्म इट इज डिफाइंड एज कंपनीज विजन ऑफ वॉट इट वॉन्ट्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म यानी कि क्या कहता है स्ट्रेटजिक इंटेंट ये दिखाता है कि कंपनीज का क्या विजन है लॉन्ग टर्म में वो क्या अचीव करना ती है इट इज डिफाइंड कंपनीज़ विजन ऑफ वॉट इट वॉन्ट्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म वो क्या लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहती है कंपनीज के विजन को शो करता है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटिक इंटेंट इज दी पर्पज दैट इट एग्जिस्ट एंड वाई इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है वो पर्पज होता है कि क्यों एग्जिस्ट करती है और क्यों एग्जिस्ट आगे चल के वो करेगी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इट इंस्पायर मोटिवेट एंड प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू स्टेक होल्डर्स इंप्लाइज इन्वेस्टर्स कस्टमर्स तो जो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो इंस्पायर करता है मोटिवेट करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इंप्लाइज होते हैं जो investors होते हैं जो कस्टमर्स जुड़े होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो स्ट्रेटजिक इंटेंट कहने का मतलब होगा कि कंपनी का विजन है कि वो क्यों एग्जिस्ट करती है क्यों एग्जिस्ट करेगी आगे चल के वो लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है वही स्ट्रेटजिक इंटेंट कहलाता है तो स्ट्रेटजिक इंटेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो स्ट्रेटजिक इंटेंट में क्या-क्या एलिमेंट्स क्या, होते हैं आप देखिए पहला है विजन तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है फिर मिशन हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है फिर बिजनेस डेफिनेशन होता है जब अलग अलग बिजनेस कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके अलग अलग डेफिनेशनस होते हैं बिजनेस डेफिनेशन गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो ये और प्लान्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं तो ये एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट के ओवरऑल स्ट्रेटजिक इंटेंट यानी कि क्यों एग्जिस्ट कर रही है कंपनी अब क्यों एग्जिस्ट कर रही है उसमें अलग अलग चीज़ें होती है विजन के रूप में उसको डिफाइन किया जाता है मिशन के रूप में बिजनेस डेफिनेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव प्लान्स इनके टर्म्स में जो है हम उसको क्लासीफाई ते हैं तो स्ट्रेटी इंटेंट्स के ये एलिमेंट्स हैं अगर को वाइज फॉलो करें तो सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन का विजन आता है उसके बाद मिशन होता है फिर गोल्स होते हैं उस विजन को मिशन को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव होते हैं गोल्स को अचीव करने के प्लान्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और गोल्स बनाते हैं उसके लिए होते हैं तो विजन जो है वो इंटीग्रेटिव होता है कुछ ही नंबर में होता है वहीं पर जो होते हैं स्पेसिफिक होता है और बहुत सारे प्लान्स होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए विजन तक पहुंचने के लिए तो हम एक एक करके विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव और प्लान्स को हम देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है विजन विजन हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है तो ए ए विजन इज स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ कंपनी तो विजन क्या है स्टेटमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना विजन होता है मिशन होता है तो विजन क्या है स्टेटमेंट होता है इसी तरह से मिशन भी स्टेटमेंट है तो विजन क्या है स्टेटमेंट जहां पे कंपनी ये डिस्क्राइब करती है कि फ्यूचर में कौन सा पोजिशन पाना चाहती है तो उसको डिस्क्राइब करने को ही हम क्या कहते हैं विजन कहते हैं ए विजन स्टेटमेंट फोकस ऑन टुमारो एंड व्हाट एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अल्टीमेटली बिकम तो ये विजन स्टेटमेंट क्या होता है वो टुमारो यानी कि फ्यूचर को फोकस करती है और फ्यूचर में वो क्या बनना चाहती है अल्टीमेटली वो क्या अचीव करना चाहती है उसका क्या विजन होता है वो स्टेटमेंट जो है डिफाइन करती है फोकस करती है विजन स्टेटमेंट क्वेश्चन लुक लाइक जो विजन स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि व्हाट आवर होप्स एंड ड्रीम्स हमारे होप्स या ड्रीम्स क्या हैं ठीक है तो वो विजन को स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट होता है व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग फॉर द ग्रेटर गुड हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने चाह रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा हु एंड व्हाट वी आर इंस्पायरिंग टू चेंज हम किसको इंस्पायर कर रहे हैं और

अर्थ का सबसे मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना जहां पे कस्टमर कोई भी चीज फाइंड कर सकें डिस्कवर कर सकें उनकी वांट को फुलफिल करने के लिए और उसको वो ऑनलाइन परचेज कर सकें इसी तरीके से लिंक्ड विजन का है लिंगडिन आपने देखा होगा तो उसका विजन क्या है टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स यानी कि जितने भी ग्लोबल वर्कफोर्स हैं सभी के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना यानी कि जॉब वैकेंसीज के रिलेटेड वहां पर जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसी तरीके से गूगल का विजन है गूगल का विजन क्या है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन इन

होना चाहते हैं वो विजन था हम क्या कर रहे हैं वो मिशन है व्हाट डू वी डू हुम डू वी सर्व हम किसको सर्व करते हैं हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है किस टाइप के कस्टमर्स के लिए हाउ डू वी सर्व हम किस तरीके से उनको सर्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अमेजोन का मिशन क्या है वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस द बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड द अटमोस्ट कन्वीनियंस तो यहां पर यह क्या है मिशन है अमेजोन का कि हम कस्टमर को लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस में अच्छा अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं सेलेक्शन भी उनको हम अवेलेबल कराते हैं और कन्वीनियंस भी उनको सुविधा भी देते हैं इसी तरीके से लिंकड का मिशन क्या है टू कनेक्ट द वर्ल्ड प्रोफेशनल टू मेक द मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल तो जितने भी वर्ल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको कनेक्ट करना ताकि वो मोस्ट प्रोडक्टिव हो और सक्सेसफुल हो सकें इसी तरीके के गूगल का मिशन क्या है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल तो गूगल का मिशन क्या है कि जो वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है उसको जो है ऑर्गेनाइज करना ताकि जो वो यूनिवर्सली एक्सेस किया जा सके और सभी के यूजफुल हो तो ये मिशन है ये मिशन होता है विजन को अचीव करने के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका बिजनेस तो होता क्या है बिजनेस डिफिनेशन नॉर्मली हम तब डिफाइन करते हैं जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हो रहे होते हैं तो बिजनेस डिफिनेशन ट्राइज टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी यानी ये जो भी बिजनेस कंपनी परफॉर्म कर रही है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू तो कस्टमर नीड टारगेट मार्केट यानी कि टारगेट मार्केट के लिए हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है हेल्थ इन मेकिंग डिफरेंट स्ट्रेटजिक चॉइसेज तो इससे क्या होता है कि जब हम बिजनेस को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस ये है तो ये फिर स्ट्रेटजिक चॉइसेज में हेल्प करता है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजिक चॉइसेज उस बिजनेस के लिए बना सकें फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील टाटा मोटर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा केमिकल टाटा कैपिटल टाटा पावर ठीक है अलग अलग डिफरेंट बिजनेस ग्रुप ऑफ कंपनीज के फॉर और डिफरेंट कस्टमर नीड एंड टारगेट मार्केट तो अलग अलग कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग टाटा के बिजनेस हैं और अलग अलग टारगेट मार्केट के बिजनेस हैं तो इस ये सभी को डिफाइन करते हैं जैसे सपोज करिए टीसीएस का है तो टीसीएस का बिजनेस डिफिनेशन क्या है कि टीसीएस इज एन आई टी कंसल्टिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज हैजिन पार्टनिंग विद मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉर द पास्ट फिफ्टी ईयर टीसीएस बिजनेस को यहां पर डिफाइन किया गया है इसी तरीके से टाटा मोटर्स को क्या बिजनेस को डिफाइन किया है कि विथ थर्टी फाइव बिलियन डॉलर इन रेवेन्यू टाटा मोटर इज ए लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स यूटिलिटी व्हीकल्स बसेस ट्रक एंड डिफेंस व्हीकल तो टाटा मोटर को टाटा मोटर की जो बिजनेस है उसको कैसे डिफाइन किया गया इस तरीके से डिफाइन किया कि 35 बिलियन डॉलर की जो है रेवेन्यू की कंपनी है जहां पर टाटा मोटर जो है ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग कंपनी में जैसे कार यूटिलिटी व्हीकल बसेज ट्रक्स और डिफेंस व्हीकल्स को बनाती है इसी तरीके से टाटा कैपिटल जो बिजनेस है इसको डिफाइन किया गया है कि टाटा कैपिटल इज ए ट्रस्टेड कस्टमर सेंट्रिक वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन पार्टनर कैटरिंग

तरीके ये भी शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो कि तीन से पाँच सालों के बीच में हमें अचीव करना चाहते हैं उसको हम तो गोल कहलाता है इट इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट फोकस ऑन द डिजायर रिजल्ट एंड डज नॉट डिस्क्राइब द मेथड यूज टू गेट द इंटेंडेड आउटकम तो ये ब्रॉड स्टेटमेंट होता है जो कि डिजायर रिजल्ट पे फोकस करता है ना कि कैसे उस रिजल्ट को हम uh, अचीव कर सकते हैं उस आउटकम को कैसे हम पाएंगे मेथड क्या हो सकता है उसको ये डिस्क्राइब नहीं करता लेकिन ये क्या हमें रिजल्ट चाहिए उस पर ये फोकस करता है सम कॉमन एग्जांपल ऑफ बिजनेस गोल्स इंक्लूड द फॉलोइंग जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जैसे मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, यह हमारा गोल है लेकिन कैसे करना है इस पर स्पेसिफिक नहीं है कैसे करना ये हमें इसमें इस नहीं बताया गया लेकिन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ही हमारा गोल है हम अगले पांच सालों में अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं गोल हम ग्रोइंग रेवेन्यू हमें अपने रेवेन्यू को ग्रो करना है इंक्रीजिंग एफिशियंसी हमें अपनी एफिशियंसी को इंक्रीज करना है प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस जो है प्रोवाइड करना है बिकमिंग एन इंडस्ट्री लीडर हमें अपनी इंडस्ट्री में लीडर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनना है ये गोल्स हो जाते हैं क्रिएटिंग ए ब्रांड हमें एक ब्रांड क्रिएट करना है तो ये क्या है गोल है है मेथड क्या यहां डिस्क्राइब नहीं होता है तो ये क्या हो गया शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट हो गया जो कि तीन से फाइव ईयर के बीच में हमें जो है इसको अचीव करना होता है गोल्स कहलाता है तो गोल्स आर जनरल गाइडलाइंस दैट एक्सप्लेन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव तो गोल क्या हो गया जनरल गाइडलाइंस होते हैं कि हमें क्या अचीव करना है हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू इंक्रीज करना है एफिशेंसी को बढ़ाना है इंडस्ट्री लीडर बनना है ब्रांड क्रिएट करना है दे आर यूजली लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे होते हैं और थ्री से फाइव ईयर्स हम अचीव करने की कोशिश करते हैं गोल्स को इसी तरीके नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक एक्शनेबल टारगेट नीड टू बी अचीव इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम सच एज ईयर और लेस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक तरीके का एक्शनेबल टारगेट होता है यानी कि हमें पता है कि हम इसको जो है एक साल या एक साल से कम टाइम में अचीव कर सकते हैं एक्शनेबल टारगेट यानी कि वो ऐसी चीज है जो कि हम तुरंत काम करके उसको अचीव कर सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है और ऑब्जेक्टिव अचीव करके आप गोल को अचीव कर सकते हो ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब दी एक्शंस और एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अचीविंग ए गोल तो गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्सेंस या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं एक तरीके से गोल्स आर द आउटकम यू अटेंड टू तो अचीव वेर इज ऑब्जेक्टिव आर द एक्शंस दैट हेल्प टू अचीव अ गोल तो गोल्स क्या है वो आउटकम है जो हम अचीव करना चाहते हैं जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है लेकिन वहीं पर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव वो एक्शंस होते हैं जो कि आप परफॉर्म करते हो कंपनीज परफॉर्म करती है हेल्प करती है गोल को अचीव करने के लिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टू अचीव द गोल ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू हमें अपनी

मिनिमम ऑफ फिफ्टीन परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ए फिजिकल ईयर यानी कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में हम पंद्रह परसेंट मिनिमम रिटर्न जो है वो अर्न करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया इंक्रीज द कंपनीज मार्केट शेयर टू सेवन परसेंट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फिजिकल ईयर नेक्स्ट फिजिकल ईयर तक हमें अपनी मार्केट शेयर को सेवन परसेंट तक इंक्रीज करना है तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसको अचीव करना है आपको कट डाउन द ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई टेन परसेंट विद इन टू ईयर तो दो ईयर के बीच ही हमें अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को दस कम कर देना है कट करना है तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसको इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं रिड्यूस द रिस्पॉस टाइम फॉर सेल्स इंक्वायरीज टू ट्वेल्व और बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है फिर क्वार्टर जब खत्म होने वाला है तब तक हमें जो रिस्पॉन्स टाइम है है सेल्स के के लिए लिए उसकी इंक्वायरीज इंक्वायरीज को हमें जो के लिए, जो टाइम उसको हम 12 आवर से कम करना है रिड्यूस कर देना है, कि 12 घंटे से पहले हम रिस्पॉन्स कर सकें सेल्स इंक्वायरीज के लिए तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं तो हमारा विजन हो गया मिशन हो गया बिजनेस डेफिनेशन हो गया गोल्स हो गया उसके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया अब आता है आपका बिजनेस पॉलिसी बिजनेस पॉलिसी क्या होता है देखिए बिजनेस पॉलिसी ज्यादा गाइडलाइंस डेवलप बाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन तो बिजनेस पॉलिसी क्या है पॉलिसी पॉलिसी मीन की गाइडलाइंस रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उस पॉलिसी के तहत परफॉर्म किए जाते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो वल देते हैं वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है तो बिजनेस पॉलिसी क्या है वो गाइडलाइंस है डेवलप्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन दे डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच डिसीजन मस्ट बी मेड तो जो भी डिसीजनस होते हैं चाहे वो लोअर लेवल पे चाहे मिडिल लेवल पे या टॉप लेवल पर वो डिसीजन जो है उस बिजनेस पॉलिसी के तहत लिए जाते हैं उसके लिमिट्स के अंदर ही लिए जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड हो गया गाइडलाइंस हो गया लॉ हो गया रेगुलेशन हो गया ये सब क्या पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ लिमिट आपको शो करते हैं कि आप इस लिमिट के तहत ही अपना काम कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए जो है पॉलिसीज़ यानी गाइडलाइंस जो है डेवलप की जाती हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर तो पे वोशल ग्रोवर्स को लेके पॉलिसी है अल्कोहल ड्रग फ्री वर्क प्लेस स्मोकिंग कैनबिस पॉलिसीज़ होती हैं अटेंडेंस के लिए पॉलिसी होती है वैकेशन आप चाहते हो तो उसके लिए पॉलिसीज होती हैं टाइम ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग पॉलिसीज होती हैं उस पॉलिसी के तहत उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं आप सपोज करें कि नॉर्मली एक कॉमन पॉलिसी होता है क्या कि यूज़ ऑफ ड्रग एल्कोहल या टोबैको इन ए कंपनी इज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर इज़ प्रोहिबिटेड यह क्या है पॉलिसी है कि आपकी ये कंपनी की पॉलिसी है कि वर्किंग आवर में आप जो है ड्रग एल्कोहल या टोबैको आप यूज़ नहीं कर सकते हो किसी भी कंपनी में अंदर वर्किंग आवर्स में वहीं पे कुछ कंपनीज जो होती है वो स्मोकिंग अलाउड करती हैं तो इस स्मोकिंग इज परमिटेड पॉलिसी विल डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट मस्ट बी फॉलोड तो अगर कहीं किसी कंपनी में स्मोकिंग अलाउड है तो उसके लिए भी पॉलिसी होगी कि कब आप स्मोकिंग कर सकते हो कौन से एरिया पर स्मोकिंग कर सकते हो उसके लिए पॉलिसीज गाइडलाइंस बनी होती हैं तो ये बिजनेस पॉलिसीज़ कहलाती हैं तो हर हर्पज़ के लिए जो है गाइडलाइंस होती हैं उसके तहत आप जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं डिसीजन मेकिंग्स करते हैं और जो है एक्शंस को परफॉर्म करते हैं पॉलिसीज वट इज एयर व्हाट इज नॉट डन तो पॉलिसी क्या होता है नॉर्मली कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो यही चीज बताता है पॉलिसी ये ये चीजें कर सकते हो और ये चीजें नहीं कर सकते हो डूज एंड डोंट्स तो वही पॉलिसीज कहलाता है उसी के तहत आपको सारे एक्शन लेने होते हैं बिजनेस पॉलिसी ऑफर गाइडलाइंस फॉर मैनेजर टू एप्रोप्रिएट टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन तो, तो बिजनेस पॉलिसी जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है मैनेजर्स को कि वो अप्रोप्रियट डिसीजंस ले सके तो ये बिजनेस पॉलिसी कहलाता है नेक्स्ट टॉपिक है प्लान तो आपने स्ट्रेटिक इंटेंट में अभी तक देखा आपने

वहां पहुंच जाएंगे ग्यारह बजे तक हम ये चीज करेंगे बारह बजे तक हमें ये चीज़ खानी है तेरह फिर दोपहर को एक बजे तक हमें वापस आ जाना है तो आप क्या तो करते हो स्टेप्स को डिफाइन करते हो टाइमिंग रिसोर्सेज को आप वहां पर जो है डिटेल्स में आइडेंटिफाई करते हो ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अपने आ, किसी भी जो गोल्स को है उसको अचीव कर सकें इट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज ए टेम्पोरल सेट ऑफ इंटेंडेड एक्शन थ्रू विच वन एक्सपेक्ट टू अचीव ए गोल तो ये क्या होता है कि तरीके का टेम्प्रोरी सेट ऑफ एक्शन होता है जिसका यूज करके जिसको परफॉर्म करके अपने एक्सपेक्टेड गोल्स को हम अचीव करते हैं तो प्लान